भक्ति की नहीं जाती है, भक्ति में जीना पड़ता है। मैं भक्ति को जीवन मानता हूँ और भक्ति को किया नहीं जाता, इसमें जिया जाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोग कई बार बैठते होंगे भगवानों के समक्ष, माला भी जपते होंगे, दीपक भी जलाते हैं, लेकिन क्या आप उसे भक्ति मानते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं पूर्ण 100% हृदय से भक्ति में लगा हुआ था? या फिर आपका मन, आपकी आत्मा गवाही देती है कि मैं सिर्फ भक्ति की एक्टिंग कर रहा था? एक्टिंग क्यों कर रहा था? परमात्मा से कुछ मांगना चाह रहा था, इसलिए बैठ गया माला लेके, बैठ गया आसन जमा के, वो मुद्रा बना ली अपनी कि भगवान से कुछ लेना है। जैसे एक आंदोलनकारी नहीं बैठ जाता है कि नहीं अब तो लड़ेंगे या मरेंगे, अब तो आर या पार। बेटा ये भक्ति नहीं है, भक्ति की एक्टिंग कर रहे हो आप, इसीलिए आपको परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। एक भगत होता है, वह बैठ जाता है जाप करने, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं चलता है, उसके शरीर का बाल भी नहीं हिलता है, जैसे बुद्ध बैठ गए थे मूर्ति बनकर। वह होता है ध्यान और वह होती है भक्ति। यह नहीं कि आप जाप कर रहे हैं और अपने टांगों को उछाल रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि आप अभी तक शरीर को ही देख रहे हैं। हम बैठ जाते हैं जप करने, बाल तक नहीं हिलता है, और हमारे पूर्वजों ने ये पत्थर की मूर्तियां वैसे नहीं बनाई हैं। भगवान शिव के ध्यान की मुद्रा में, भगवान विष्णु की योग निद्रा में लेटे पड़े हैं आंख बंद करके शेषनाग के ऊपर, और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, लेकिन वो लेटे हैं पत्थर की तरह, हिल भी नहीं रहे हैं। इसको बोलते हैं ध्यान, इसको बोलते हैं समाधि की स्थिति। क्या आपने कभी इसे अनुभव किया है? या पूजा करते ध्यान करते हुए वैसे ही लुढ़क कर सो जाते हैं और मानते हैं कि आप समाधि में चले गए थे? ये मूर्खता छोड़िए, यदि भक्ति करनी है तो भक्ति का रास्ता अलग है, उसके डूबना पड़ेगा उसमें आपको, तब भगत बन पाएंगे, नहीं तो एक्टिंग ही करते रह जाएंगे भगत होने की। ओम नमो आदेश गुरु को। गुरु के शब्द की चोट लग जाती है तब आपकी भक्ति जागती है, वैसे नहीं जागती है। वैसे तो आप एक सौदा कर रहे हैं परमात्मा से कि बेटे को नौकरी लगवा दो, मैं ये कर दूंगा, जॉब अच्छी मिल जाए तो ये कर दूंगा, और जॉब न मिले तो फिर मूर्ति को उठा के गंगा में फेंकाएंगे, कहेंगे कि तू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तेरे में शक्ति, नहीं कुछ तुझे पता है, कैसा भगवान, काहे का भगवान। फिर आप शिकायत करने लग जाते हो, मूर्ति को भी फेंक देते हो गंगा जी में, नास्तिक हो जाते हो। मैं मानता हूं कि हर नास्तिक एक हारा हुआ आस्तिक है। जब उसकी आस्था को चोट लग जाती है, आस्था टूट जाती है, पूरी नहीं हो पाती है उसकी कामनाएं, तो वह नास्तिक हो जाता है और कहने लगता है, घोषणा करने लगता है कि परमात्मा तो है ही नहीं। आप भी हो सकते हैं ऐसे कि आप एक हारे हुए आस्तिक हो और अब नास्तिक बन गए हो। नास्तिक आस्तिक का ही दूसरा पहलू है और कोई नहीं है। यदि आपका भी काम बन जाता, बजरंगबली लगवा देते, शिवजी लगवा देते बेटे को नौकरी, तो आप आज भजन कीर्तन करते मिलते, सबसे कहते फिरते कि भगवान से प्रार्थना की थी, उन्होंने लड़के को जॉब दिलवा दी, तो अब तो हम प्रभु के ही गुण गाएंगे। और जब परमात्मा तुम्हारे बेटे के लिए बैठा है, क्या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोले? मांग तो ऐसी रखो जो तुम्हारे काम भी आए, कुछ ऐसा मांगो कि दोबारा कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन तुम तो मांगोगे नमक मिर्ची खटाई, ऐसी छोटी छोटी मांगे होती हैं तुम्हारी, ऐसे छोटे छोटे स्वार्थ जो तुम्हारी ऊर्जा को बांट देते हैं, और तुम परमात्मा से कभी जुड़ नहीं पाते हो। परमात्मा से क्यों नहीं जुड़ पाते हो? इसीलिए जुड़ नहीं पाते हो कि तुम खुद को शून्य नहीं करते हो, विचारों से जीरो नहीं कर देते हैं, तभी तो भटक रहे हैं मार्ग। कोई कुछ बता के ठग रहा है, कोई कुछ बता के ठग रहा है, और तुम नाच रहे हो एक सांप की तरह, जैसे एक सपेरा बीन बजाता है और भगत डोलने लगता है, नाचते हो, चुटिया घुमाते हो,
और फिर कहते हो कि गुरु जी हम तो बहुत भटक लिए पर कहीं सत्य का ज्ञान नहीं मिला, कोई मिला नहीं बताने वाला कि समस्या की जड़ कहाँ है, जहाँ पे चोट करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम हैं त्रिलोकपुर धाम में अपनी माता भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर बाला सुंदरी, माँ ललिता सुंदरी के धाम पर, त्रिलोकपुर धाम, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। प्रेमी भगत जनों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि 9 अप्रैल से लेके पहले नवरात्र से लेके और 22 अप्रैल तक अखंड भंडारा त्रिलोकपुर धाम में चल रहा है, जिसमें भोजन की संपूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप सब दानी सज्जनों का ही सहयोग है कि यह सब हो रहा है, तो आप सब आमंत्रित हैं। जो भी जैसे भी आना चाहता, जिस रूप में आना चाहता, खुद आना चाहता या कुछ भेजना चाहता, जिसकी जैसी इच्छा, भगवती माँ जिसके बिगड़े काज सवार देती है उसका संसार में कोई अहित नहीं कर सकता है। हमारी कुल देवी माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर आती हैं, प्रथम काली, दूसरी तारा, तीसरी श्री विद्या। त्रिपुर सुंदरी माँ बाला, माँ ललिता, ललिताम्बा, अनेक नाम हैं इनके। त्रिपुरा में इनका मुख्य स्थान है। आपने त्रिपुरा राज्य सुना होगा, उत्तर पूर्व के राज्यों में आता है, वहाँ पे इनका मुख्य स्थान है। और यहाँ पे जहाँ पे हम हैं ये शक्तिपीठ है इनकी, उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ बाला त्रिपुर सुंदरी। तो आपको यही सूचना मैं देना चाहता था। सभी भगत जनों का माँ बाला सुंदरी कल्याण करे, ऐसी मेरी कामना है। हाँ, कल्याण करे, पर ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें मांगेंगे आप। अपने जीवन में सुधार लाइए, पहले खुद सीधे चलिए, सही रास्ते पर चलिए, चीज़ें तो अपने आप अनुकूल होने लगेगी। जब आप अनुकूल हो जाते हैं, प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ ना, एक आदमी नदी के उल्टा तैर रहा है, वह तक के डूब जाएगा, दूसरा आदमी सीधा तैर रहा है लेकिन हाथ पैर चला रहा है, वह थोड़ी और आगे डूबेगा, एक तीसरा होता है जो खुद को नदी को ही छोड़ देता है कि ले गंगा मैया मैं तो ये आ गया, अब जहाँ ले जाना है ले चलो, जहाँ बहाना है बहा लो। वह मार्ग होता है समर्पण का। तो किसी भी इष्ट के प्रति आप समर्पित होइए, चाहे वह आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, या कोई बाहरी पूज्यमान देवता है, आराध्य देवता है, या आपके कोई इष्ट बना रखे हैं, आपने कहीं स्वप्न से आपने जान लिया कि शिवजी मेरे इष्ट हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो हमारे पास आते हैं वो स्वप्नों से ही जान लेते हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं वो, स्वप्न में आया और जान लिया कि क्या दिखाई दिया है, उन्हें गुरु की क्या ज़रूरत है, फिर भी वो भटकते फिरते हैं। जिन्हें स्वप्न में भगवान भी दिखाई दे जाते हैं फिर भी दुखी हैं। मैं समझता हूँ मेरे स्वप्न में कभी परमात्मा नहीं आते हैं, लेकिन मैं किसी भी तरीके से दुखी नहीं हूँ, संतुष्ट हूँ, पूर्ण संतुष्ट। क्योंकि सपने में कैसे आएंगे परमात्मा मेरे, परमात्मा तो मेरे भीतर ही बैठे हैं जो सपना ले रहे हैं, लेकिन लोगों के सपनों में आते हैं भगवान, और वही सबसे पिछड़े, दुखी, बीमार, दरिद्र लोग होते हैं जो बीमारियों से जूझ रहे होते हैं और कहते हैं कि सपने में भगवान आए थे, हमें पता चल गया कि ये हमारे इष्ट हैं, 4 दिन की उनकी पूजा करेंगे, फिर हफ्ते बाद सपने में दूसरे भगवान आएंगे, फिर 4 दिन उनके लिए गीत गाएंगे, फिर कहीं भगत के पास जाएंगे, भगत बोलेगा कि तुम्हारे तो ऊपर उसकी शक्ति साथ चल रही है, क्योंकि यूट्यूब पे आज बताने वालों की कमी नहीं है कि आपके साथ कितनी, कौन सी शक्ति चल रही है, काली की शक्ति चल रही है कि सफ़ेद की शक्ति चल रही है, कोई कमी नहीं है। और आप बहते रहते हो उस नदिया में, कभी उल्टे तैरते हो, कभी सीधे तैरते हो, कभी सर नीचे कर लेते हो, पैर ऊपर कर लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ मिला नहीं है आज तक। परमात्मा की कोई सुगंध, उसका प्रकाश, उसका प्रसाद तुम्हारे हाथ लगा नहीं है, दूर बैठे ही देख रहे हो।
क्योंकि आगे बढ़कर परमात्मा को पाने की हिम्मत नहीं है, कायर हो तुम भीतर से। अगर तुम कायर न होते, पूर्ण समर्पण करते कि मैं तो तेरा तुझको ही अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह भावना हो जाती तो आज तुम भी परमात्मा को पा लेते। और जिसने परमात्मा को पा लिया है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं तो कहूँगा खुशी होती ही बहुत छोटी चीज़ है जिसके लिए आप भटकते हो, वह तो आनंद हो जाता है। शिव आनंद कहिए, रामानंद कहिए, किसी का भी आनंद उसे आ गया है, वह संपूर्ण बदलाव करके आनंद ही हो जाता है। आपने भगवान के फोटो देखे हैं, राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, शिव के, किसी को हंसते देखा है कभी? लेकिन क्या है उनके चेहरे पर, उनके चेहरे पर भाव कौन सा है? वह भाव आनंद का भाव है। वही जो प्राप्त कर लेता है वह परमात्मा ही हो जाता है, ऐसा हमें तो मालूम है, ऐसा हमने जान भी लिया है। ओम नमो आदेश गुरु को, जय गुरु गोरखनाथ, जय माता कुल देवी, त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता माँ बाला सुंदरी, जय त्रिलोकपुर धाम सिरमौर।